राजधानी पटना में सरस्वती पूजा को लेकर रंगदारी और चंदा वसूलने के इरादे से अपराधियों के गैंग सक्रिय हो गए थे। अपराधियों के गैंग ने सरस्वती पूजा समिति सैदपुर हॉस्टल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। अपराधियों के गैंग में मोस्ट वांटेड अपराधी 15 से 20 की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सक्रिय थे, जिसका पटना सिटी SP पूर्वी संदीप कुमार सिंह ने आज खुलासा किया है। सरस्वती पूजा समिति सैदपुर हॉस्टल व्हाट्सएप ग्रुप गैंग के दो मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। समीर और रोशन है ये, इनके पास से दो मोबाइल जब्त किए गए हैं। इन अपराधियों ने पटना के बहादुरपुर थाना इलाके के सैदपुर हॉस्टल के पास गुरुवार को एक शख्स की हत्या करने के इरादे से इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। कई अपराधी भागने में सफल हो गए। कोरोना काल के कारण पूर्व के सालों में सरस्वती पूजा चंदा वसूली नहीं हुआ था, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप गैंग डबल मोटी रकम चंदा वसूली और रंगदारी करने वाले थे। इसके लिए हथियार की भी व्यवस्था इन लोगों के गैंग ने कर ली थी। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप गैंग के फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हो गई है, क्या पूरा मामला क्या है? सरस्वती पूजा को लेके और जो नॉर्मल हमारा चेकिंग अभियान रहते हैं वो लोग हम लोग करवा रहे थे, इसी क्रम में जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पुलिस के हाथ लगी है। बहादुरपुर थाना का ये मैटर है। इसमें बेसिकली सैदपुर हॉस्टल जो है इसका सेंटर पॉइंट है। सैदपुर हॉस्टल में जो थाना प्रभारी हैं ये और इनकी टीम और ASP सिटी पटना सिटी, इन सब के द्वारा जो है एक सूचना संग्रहण किया गया तथा उसके ऊपर जो है त्वरित कार्रवाई की गई। द मैटर ये है पूरा कि 15-20 लड़के जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा हुआ है उनमें से काफ़ियों का, ये लोग इकट्ठा हुए पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे थे सैदपुर में। और इनका जो है बेसिकली प्लान या इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि ये लोग इकट्ठा होके रजिस्टर ले के प्रॉपर जैसे सरस्वती पूजा को लेके जितना पैसा जितना चंदा या रंगदारी पूर्वक जितना भी ये मटेरियल इकट्ठा कर सकें ये उसका जो है हिसाब किताब लगा रहे थे। तो जब पुलिस की रेड हुई तो दो बंदों को पकड़ा गया। जिन बंदों को पकड़ा गया उनका नाम है रोशन और समीर। अब पूरी बात जब इनसे अगर तक पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो पूरा गैंग है या जो इनका ग्रुप है, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है सरस्वती पूजा समिति सैदपुर हॉस्टल के नाम से। उसमें जो है जितने भी लड़के हैं वो लिस्ट हमारे पास है, हम लोग जो है उसका पता करा रहे हैं, लेकिन जिसमें हम लोग जितनों के ऊपर जो है कार्रवाई किए हैं या कर रहे हैं टारगेट लिए हैं वो जो है उनमें से काफ़ियों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग इन्होंने डिसाइड किया था कि पिछले कुछ वर्षों से सरस्वती पूजा जो है ड्यू टू कोरोना रिस्ट्रिक्शंस उस टाइप से नहीं हुआ था, एक लिमिटेड दायरे में हुआ था। तो इस बार इन्होंने टारगेट रखा हुआ था कि ये रंगदारी जबरन कोई जो है वसूलेंगे और डबल वसूलेंगे, पैसा वसूलेंगे, धमकी देंगे। उसके लिए इनके पास हथियार भी हैं, फोटोग्राफ्स हैं हथियारों के, और ये जो नारकोटिक्स वाले पदार्थ हैं उनका भी जो है बातचीत है उस ग्रुप में। इसके अलावा जो है शराब कारोबारियों के साथ जो है इनकी पूरी डिस्कशंस थी, चल रही थी कि पूजा के नाम पे ये लोग जो है पैसा जो इकट्ठा करेंगे उसके बाद ये अपनी अय्याशी के क्रम में क्या क्या करेंगे। उसी के साथ ये लोग जो है कुछ खास करके इम्पोर्टेंट कोई इन्होंने सूची बनाई हुई थी जिससे जिनको ये लोग टारगेट लिए हुए थे। क्या लोगों का सूची था, किस तरह के लोगों का? व्यापारियों का और जो व्यवसाय हैं वो, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो, और कुछ जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनके पास ये पहले वसूलते रहे हैं चंदा, कि अगर वो लोग इनको जो है डबल ट्रिपल वसूली नहीं देंगे तो ये सरस्वती पूजा के बाद वहाँ पे जाके मारपीट करने वाले थे और जो है कुछ लोगों को ये टारगेट पे लिए हुए थे। उनमें से उन्हीं के आगे पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि एक परमवीर नाम का व्यक्ति था जिसका मर्डर होने वाला था और उसके मर्डर के लिए एक पिस्टल का इंतज़ाम भोलू शर्मा नाम का व्यक्ति ऑलरेडी कर चुका था और संयोगवश जो है ये मर्डर पुलिस की, चूँकि पुलिस ने जो है अब पूरी बात खुल गई है तो पुलिस की कार्रवाई से
संयोगवश इस बात का पता चल गया है कि ये मर्डर होने वाला था। उसके बाद एक बहुत चर्चित 2021 में मर्डर हुआ था, गोलू का मर्डर हुआ था, गोलू सैदपुर हॉस्टल का ही था। उसमें कुछ लड़के थे जिनका गोलू के साथ जो है वर्चस्व की लड़ाई थी, और रंगदारी का भी मैटर कुछ सामने आया था। अभी और भी एक दो बातें थी, उनमें से कुछ जो लड़के थे, जॉन या विशाल या रोशन शर्मा, स्वरांश, ये सारे जो हैं उस केस में जो है वांटेड भी थे, और इनमें से दो लड़के शायद जेल भी गए थे। और ये जो लड़का पकड़ा गया है रोशन, ये वही केस है बहादुरपुर का 333/21 मर्डर केस है, ये उसमें जो है वांटेड है, ये फरार चल रहा था, ये पकड़ा गया है। और ये पूरी जो है एक साजिश बनाए हुए थे कि किस प्रकार से ये रंगदारी पूर्वक जो है अपने गलत मंसूबों को इस बार जो है सरस्वती पूजा के बहाने जो है ये चंदा वंदा इकट्ठा करेंगे, पैसा लाएंगे, उस पैसे से जो है रंगदारी वसूल के पैसा लाएंगे, पैसे से हथियार खरीदेंगे या अपने अय्याशी के लिए जो भी इनका बनता है वो लोग करेंगे। उसके बाद है कि एक SC/ST केस भी है इसके ऊपर, रोशन के ऊपर। तो ये जो है क्रॉनिक इस टाइप का रहा है, और हम लोगों ने जो आपराधिक इतिहास इसका और खंगलवाया है, इसमें 134(16) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम वाला केस भी दर्ज है। तो ये उस आपराधिक प्रवृत्ति वाला आदमी है जो इस बार जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दूसरा व्यक्ति है समीर। समीर हत्या के प्रयास और दंगा की धाराओं के अंतर्गत जो है ये इसके ऊपर भी एक बहादुरपुर में ही केस है। तो ये सारा प्रकरण जो है ये सैदपुर हॉस्टल का जो है पुलिस के द्वारा उद्भेदित किया गया है, और अग्रतर कार्रवाई भी पुलिस कर रही है इसमें। बहुत ये जो है इनका पूरा जो चल रहा था ग्रुप के माध्यम से एक प्लान चल रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। हम लोग जो है इसमें तीव्र गति से और भी कार्रवाई करेंगे। तो दो लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं, दो लोग कौन हैं और कहाँ से गिरफ्तारी? ये रोशन है एक का नाम समीर है, और गिरफ्तारी इनकी यहाँ बहादुरपुर ये सैदपुर से हुई है। गैंग में टोटल कुल कितने लोग हैं सर? देखिए इन्होंने ग्रुप बनाया बेसिकली, ये सारे जो हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। इनका जो है एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप की हुई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें डिटेल्स तो हम नहीं शेयर करेंगे, लेकिन जो है 15-20 से ऊपर आदमी ये लड़के हैं। जिस शख्स की हत्या करना चाह रहे थे आखिर वो किस ये सारे जो हैं जिसकी अभी हत्या का प्लान था ये सारे जो है इसी चंदा बताका विवाद था। इन लोगों को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी जिसको वो इमीडिएटली आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। जो बात खुल के ये भी आई है जो हम बता देते हैं आपको, कि ये जो लड़का है ये भी कोई सामान्य लड़का नहीं है, ये भी अपराधी किस्म का ही है, शराब का कारोबारी ये उस टाइप से है। तो इसको इन्होंने कोई टास्क दिया था कुछ पैसे अरेंज करने का, वो शायद नहीं हो पाया होगा, उसी के चलते इनका पताका को लेके और इसने पैसा देना था उसके लिए, तो वो जो है मैटर खुल के आया है। क्या क्या बरामद हुआ इन लोगों के पास से? फिलहाल तो जो है बरामदगी इनके मोबाइल्स हैं, और उसमें जो है बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, वो हम लोगों ने जो है विधिवत उस पर कार्रवाई की है।